अच्छा हज़रत ये फरमाइएगा मुफ्ती साहब कि निकाह क्या सिर्फ ईजाब व कबूल का नाम है या बाकायदा इसके तकाजे हैं और कुछ जिम्मेदारियां हैं कि जिन्हें पेश नज़र नहीं रखा जाता, तो क्या फरमाइएगा? देखिए, कुछ तकाजे तो ऐसे होते हैं जो किसी अमल के या किसी चीज़ के मारज़ वजूद में आने के लिए ज़रूरी होते हैं। उस एतबार से देखा जाए तो उसमें वो ईजाब व कबूल है, और अगर महर आपने मुकरर किया है तो बवक्ते कबूल उसका ज़िक्र लाजिम होता है। इस तरह गवाहों की मौजूदगी, इससे एक निकाह तो मारज़ वजूद में आ जाता है। लेकिन ज़रूर निकाह करने से पहले लड़का हो लड़की हो बल्कि उनके ख़ानदान वालों को मकासद निकाह को भी अपने पेश नज़र रखना चाहिए। जहाँ मकासद निकाह में से निगाह की हिफाजत है, सितर की हिफाजत है, इसी तरह एक औरत को प्रोटेक्शन हासिल हो जाती है, वो ख़र्चे वगैरह नान नफ़के से बिल्कुल बेफिक्र हो जाती है, शौहर की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसी औलाद हासिल होती है, तवालुद व तनासुल भी इसके बुनियादी मकासद में से हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मकसद जो हम फरामोश किए बैठे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। इसका मतलब ये भी एक बड़ी शौहर की जिम्मेदारी बन जाती है। वो शादी करते ही अपनी बीवी के जुल्फों का असीर तो हो जाता है, उसके चेहरे पे फैली हुई मुस्कुराहट देखने के लिए चाबियां भी देता है, कभी फ्लैट की चाबी, कभी उसको पिकनिक पॉइंट पे ले जा रहा है, किस तरह बीवी राजी हो जाए। कुछ अरसे बाद ये कैफियत अगरचे बदल कर बिल्कुल जस्ट अपोजिट भी हो जाती हैं, लेकिन शुरू शुरू का शौक, लेकिन शुरू शुरू में उसको ये सोचना चाहिए कि अगर अभी मैं एक माहौल क्रिएट करूँगा और मकसद निकाह को जो कुरान ने बयान किया पूरा करूँगा तो आगे चल के ठीक रहेगा। शुरू में बीवी को राज़ी रखने के लिए, ससुराल को राज़ी रखने के लिए उनकी बहुत सारी नाजायज़ ख्वाहिशात को मर्द पूरा करता रहता है। जी जी। इसके बाद जब उसको एहसास ज़िम्मेदारी होता है, और वो भी मैंने अक्सर ये देखा है कि जब नुकसान होता है, बीवी ने किसी मेल कज़न से मुस्कुरा के शादी में बातें कर ली, इसने देख लिया, अब वो गैरत जाग गई, तुम्हें पर्दा करना चाहिए, तुम गैर मर्द से बात कर रही थी और तुम जो अपनी कज़न से पर्दे के पीछे बात कर रहे थे टेंट के पीछे, वो फीमेल कज़न से, वो सही है, वो भी गलत है और वो भी ठीक नहीं है, कि उसमें भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब वो तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, आपने ना दीन सिखाया, क्योंकि जहन्नम से रोकने का घर वालों का मतलब क्या है, बचाने का, कि उनको इल्मे दीन सिखाएं, फ़र्ज़ उलूम सिखाएं, उन्हें नेकी का हुक्म करें, उन्हें बुराई से रोकें। और इसके लिए जैसे आतिफ ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार बच्ची से निकाह का कहा, अगर आपका एक दीनदार घराना है, फौकियत तो सबको देनी चाहिए, लेकिन जब आपका जहन है कि मैं एक दीनदार लड़की लेकर आऊँ या मेरे घर में एक दीनी माहौल हो, तो उसी किस्म की लड़की लाए ना फिर आप एक बेपर्दा लड़की से उसकी खूबसूरती की वजह से निकाह कर लेते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है उसको पर्दा करवाना, क्योंकि यह मर्द पे लाजिम है हुक्म देना। अब आप कहते हैं तुम स्ट्रिक्टली पर्दा करो, वो आदी नहीं है इसकी, उसमें फाइट शुरू हो जाती है। तो खुलासे कलाम यह है कि बहरहाल शोहर को अपनी बीवी को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उसको अकीदे उसके ठीक हैं कि नहीं। अकीदे ठीक से मुराद ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आप किसी दूसरे मकतबे फिक्र से निकाह करें, और मैं कोई ये फिरके वाली बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैंने बड़ी टूट फूट देखी है, जो आपके स्कूल ऑफ थॉट है उन्हीं से आप निकाह करें, वरना आगे चल के फाइट होती है। एक कहता है मैं ये अमल करूंगा, दूसरा कहता है शिर्क और बिदअत है, वो कहता है मैं ये करूंगा, वो कहती है ये तो गलत है, और इससे फिर तकसीम हो जाता है, बच्चों के भी जहन मुंतशिर हो जाते हैं ननियाल ददियाल में जाके। तो पहली बात तो ये, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर एक लड़की है मुसलमान घराने में पैदा हुई है और वो घराना सही हुआ अकीदा है, लेकिन चूंकि हम अकीदा सिखाते नहीं हैं, नतीजा निकलता है बाद अवकात फाइटिंग के अंदर, या औरतें आ गई और देखो मेरी सास कमबख्त मरती भी नहीं, जिंदगी हराम कर रखी है, अब वो हमदर्दी में कहेंगे हाँ ये अल्लाह ने पता नहीं तुम पे क्या जुल्म कर रखा है, वो भी गई, दोनों गई, ईमान खत्म। इस तरह तकदीर के ऊपर फरिश्तों का मजाक उड़ाना, फरिश्तों को बुरा भला कह देना, ये शौहर की जिम्मेदारी है ना। फिर अहकाम शरईया अमलिया सिखाना, एक दफा अपनी बीवी से क्वेश्चन तो करें कि तुम्हें कपड़े पाक करने आते हैं, तुम्हें पता है कि नजासत गलीजा क्या है, खफीफा क्या है, तुम तो सारे उठा के वॉशिंग मशीन में डाल के धोकर और गैर शरई तरीके से उनको सुखा कर इस्त्री करके मुझे पहना के जुमा भी पढ़वा रही और ईदैन भी, ना जुमा हो रहा है ना ईद हो रही है ना नमाज हो रही है, नापाक कपड़ों में कहाँ होंगी, और ये पता ही नहीं है। जब मसले सीखेंगे तो पता चलेगा कि ओहो हमारे घर में तो अरसे दराज में नजासत गलीजा वाला लिबास पहन के नमाजें पढ़ी जा रही हैं। इसी तरीके से फिर जो आपने शुरू में फरमाया निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, जी जी जी, यकीन कीजिए वो जैसे ऐसे मसले मिले हैं, इन्हें केसेस आए हैं, 20 साल पहले तलाक हो चुकी है और तीनों तलाकें हो चुकी हैं, निकाह खत्म है और वो साथ रह रहे हैं, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। अब तीन तलाकों के बाद अगर आपको इल्म नहीं है
तो आपकी वजह से कम इल्मी और जहालत की वजह से शरीयत तो नहीं बदलेगी, शरीयत आपको शरीयत को फॉलो करना है, ना कि शरीयत आपको फॉलो करे, आपकी मजबूरियों के बदलती चली जाए। अब नतीजा क्या निकला, इतने अरसे जीना कर रहे हैं आप और हलाल समझकर, और बच्चे वलद जीना पैदा हो रहे हैं जिनका बाप का नसब भी साबित नहीं होगा बरोदी क़यामत, उन बच्चों को बाप के नाम से नहीं पुकारा जाएगा। लेकिन ये कमील में और जहालत, तो ये नतीजे क्यों निकल रहा है? इसी तरह सगीरा कबीरा गुना, खानदानों की इज्जतों की बात आ जाती है जनाब, हमारा खानदान बदनाम हो जाएगा अगर हमने ये डिक्लेयर कर दिया तो। इसलिए ये बहुत सारे आपने पहले भी फरमाया था, इस हवाले से मैं चाहता हूँ मजीद इसको आप। हाँ नहीं देखे, अब यहाँ की बदनामी मोल ले लें या आखिरत की बदनामी, वहाँ पे अगर जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो फिर इस आरजी और झूठी इज्जत का फ़ायदा क्या है? सही। एक मैंने मसला बयान किया अहकाम शरीयत में कि भी अगर शोहर से बाज़ोक़त अल्फाज निकल जाते हैं और वो बज़ाहिर तलाक के भी नहीं होते लेकिन तलाक हो जाती है, और बात उसमें तो नीयत का भी दखल नहीं होता, ऐसा होता वो कुछ अल्फाज जिक्र किए तो एक शोहर ने कॉल की मुझे अमेरिका से, वो कहने लगा कि जी मुझे तो मेरी बीवी ने अंदर से कुंडी लगा ली है, कहती है चले जाओ जब तक मुफ्ती साहब नहीं कहेंगे मैं तुम्हें करीब नहीं आने दूँगी। कह लगा ये आपने क्या कह दिया है? फिर जौजा को मैंने लिया, उसको लाइन पर पूछा तो उन्होंने बताया इन्होंने एक वक्त में ऐसे अल्फाज कहे थे, मुझे खौफ महसूस हुआ कहीं मेरा निकाह तो ब्रेक नहीं हो गया, इसलिए मैंने इनको मना किया, वो शुक्र है नहीं हुआ था। तो मैं ये समझाता हूँ कि देखें शोहर की जिम्मेदारी है, और खुलासे कलाम ये है कि शोहर की जिम्मेदारी है वो खुद इल्मे दीन सीखे, उसके तकाजे के मुताबिक अमल करे, क्योंकि कल बच्चों की तरबियत करनी है, और तरबियत तीन चीज़ों से होगी, साहिब इल्म होना चाहिए, खुद रोल मॉडल होना चाहिए, और जो शरीयत का तकाजा उसके मुताबिक तरबियत करनी चाहिए। ये तीन चीज़ें बाप के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद फिर वो घर वालों को दीन सिखाए, नेकी का हुक्म करे, बुराई से रोके, ये निकाह के बड़े मकासद में से हैं। जो नहीं पूरा करेगा, आपके नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रायतिही, तुम में से हर शख्स निगेबान है, उससे उसकी रियाया के बारे में बरोदे क़यामत क्वेश्चन होगा। और मर्द के बारे में फरमाया मर्द अपने घर वालों पर हाकिम है, इससे उसके बीवी बच्चों के बारे में बरोदे क़यामत क्वेश्चन होगा। इसलिए हर याद रखें, ये चाय मिल रही है गरम गरम, सहरियाँ मिल रही हैं, इफ्तारियाँ मिल रही हैं, कपड़े इस्त्री शुदा मिल रहे हैं, सेठ बन के बैठे हुए टांग पर टांग रख के कि हुकूमत मिल गई साहब, बीवी काम कर रही है, लेकिन बरोज़ क़यामत यही बीवी सामने खड़े होकर कहेगी अल्लाह ताला इससे हिसाब किताब ले कि इसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी, उसके लिए भी तैयार रहें। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बड़ी रहनुमा बातें।